इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में एहतजाज के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के 7 कारकुनों को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इस पर बात करेंगे नुमान नूर से। जी नुमान जी, बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में दौरान जो है एहतजाजों के दौरान जो तोड़ फोड़ की गई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसके 7 मुलजमान को थानाशक्ति एरिया पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत से इस्तदा की कि मुलजमान से तफ्तीश और जो इन पर मुकदमात दर्ज हैं उनमें से जो माल मसरूका है उसकी बरामदगी के लिए जो मुलजमान का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 7 मुलजमों आसिफ अली, शराफत, शफीक, हसनैन, कारी सईद, शाबान और बिलाल का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि इन मुलजमान को 14 दिन का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल की जाए। तफ्तीश मुकम्मल की जाए। शुक्रिया नुमानूर।